हेलो फ्रेंड्स, कुकर सोनम के आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो आइसक्रीम और ओरियो आइसक्रीम शेक बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यम्मी लगते हैं ये दोनों रेसिपी और गर्मियों का सीजन है तो इसे बनाना तो बनता ही है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 1 पैकेट ओरियो लिया हुआ है और इस ओरियो आइसक्रीम बनाएंगे। इसको मैं इस तरह से, ये देखिए, क्रश कर लूँगी इसको। ओरियो बिस्किट को इस तरह से हमने क्रश कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया था। अब मैंने यहाँ 1 कप यहाँ फुल फैट क्रीम ली हुई है तो इसमें डालेंगे 1 टेबल वनीला एसेंस मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा हम इस तरह से फैट लेंगे अपनी फुल फैट क्रीम को। फुल फैट क्रीम हमारी ठंडी होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी आने तक हमें इसको फेंट लेना है। इसमें अब ऐड कर दूंगी अपना जो ओरियो का क्रस, हमने ओरियो को क्रस करके रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और बहुत अच्छी आइसक्रीम बनके झटपट बनके तैयार हो जाती है हमारी ओरियो आइसक्रीम। इसमें ऐड कर दिया था मैंने ये 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। होम मेड कंडेंस मिल्क है ये ऐड कर दिया था। आपने अपने हिसाब से मीठा जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपकी व्हिप क्रीम मीठी है तो आप इसमें 1/4 कप ही कंडेंस मिल्क डालिए। अगर मीठी नहीं है तो 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। 1/2 कप नहीं, अगर मीठी है आपकी व्हिप क्रीम तो कम ही कंडेंस मिल्क 1/4 कप तक ऐड करें, नहीं तो ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको और मिक्स कर लिया था अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि, ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया, इसमें इसको ऐड कर दिया था इस तरह से। आप कोई भी कंटेनर इसमें ले सकते हैं लेकिन एयर टाइट होना चाहिए ताकि हमारे आइस क्रिस्टल ना जमें। इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे इस तरह से अगर आप एयर टाइट कंटेनर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लेवल में हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया था। ये देखिए, इस तरह से ऊपर से ऐड कर दूंगी थोड़े से ओरियो जो क्रस्ट हमने करके रखे हुए थे ये ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छा सा इसमें क्रंचीपन सा, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो क्रंची से आता है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने ओरियो क्रस्ट इसमें ऊपर से ऐड कर दिया था। अब एक फॉइल पेपर से इस तरह से इसको रैप करके, ये देखिए, ऊपर से इसका कंटेनर का ढक्कन लगा के इस तरह से हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। कम से कम 6 से 7 घंटे हमने फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए, 6 से 7 घंटे के बाद हमने इसको आइसक्रीम को निकाला। बहुत ही अच्छी सी यमी सी आइसक्रीम हमारी होममेड ओरियो आइसक्रीम बनके तैयार हो गई थी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। ये देखिए, इस तरह से आपको निकालने से ही, मेरे निकालने से ही पता लग रहा होगा कि कितनी स्मूथ कितनी यमी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। ये देखिए, एकदम यमी यमी सी ओरियो आइसक्रीम होममेड बनके तैयार हुई। इस तरह से आइसक्रीम बनाना आप घर में सीख जाएंगे तो मार्केट से कभी भी नहीं लाएंगे, घर में ही बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए, कितनी स्मूथ यमी यमी सी हमारी आइसक्रीम निकल रही है। खास बात इस आइसक्रीम की ये होती है कि बिना गैस जलाए झटपट बनके हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाती है। और इसमें किसी भी घंटों आइसक्रीम को बनाने के लिए घंटों हमें गैस के पास खड़े होना नहीं पड़ता है। और गर्मी का मौसम है तो वैसे ही हमें गैस के पास खड़े होना अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, ऊपर से मैंने डेकोरेट कर दिया था इसको थोड़ा चॉकलेट सिरप से। इससे चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करने से ये और भी टेस्टी यम्मी सी लगती है हमारी आइसक्रीम। तो लीजिए, तैयार है हमारी ओरियो आइसक्रीम। अब झटपट हम बनाएंगे ओरियो आइसक्रीम शेक बनाएंगे। तो इसके लिए 1 पैकेट मैंने ओरियो चॉकलेट बिस्किट लिए हुए हैं। ओरियो चॉकलेट बिस्किट हैं ये। इनको मैंने इस तरह से एक ब्लेंड जार लेके इसमें इस तरह इसको डाल देंगे। ये देखिए, 1 पैकेट पूरा मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब ढक्कन लगा के थोड़ा इसका ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था अपने ओरियो बिस्किट का। इसका थोड़ा पेस्ट बन गया था। ये देखिए, इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया था। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रख ली थी। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया था 4 to 5 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड की थी और वनीला आइसक्रीम इसमें ऐड कर ली थी। आप चाहे तो ओरियो आइसक्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो हमने बना के रखी है। और साथ में आइस क्यूब इसमें ऐड कर ली थी और चिल्ड मिल्क मैंने इसमें ऐड किया था। इसमें चिल्ड मिल्क डाल के ही इसको ब्लेंड किया जाता है। ये देखिए, इस तरह से अब इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ये देखिए, ओरियो मिल्क शेक आइस मिल्क शेक हमारा बन के तैयार है। यहाँ पर मैंने ये एक प्लास्टिक कोन ली हुई थी। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने आगे से इसको काट लिया था और इसमें एक केक डेकोरेटिंग नोजल लगा के इसको सेट कर लिया था। एक गिलास में इसको रख के इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास मैंने एक व्हिप क्रीम पहले से ही व्हिप करके रखी थी, इसको इसमें डाल दूंगी। ये वाला स्टेप जो है ये ऑप्शनल है। आप ओरियो आइसक्रीम शेक को व्हिप क्रीम की बजाय आइसक्रीम से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। वनीला आइसक्रीम लेके या ओरियो आइसक्रीम लेके ऊपर से डेकोरेट करके सजा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने एक गिलास लिया है, इसको मैंने चॉकलेट सिरप के साथ इस तरह से डेकोरेट कर लिया था। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सजाने से हमारा मिल्क शेक जो है ओरियो मिल्क शेक बहुत ही अच्छा लगता है। और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है खाने में और भी अच्छी लगती है।
अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये अपना ओरियो मिल्कशेक जो हमने बना के रखा था, इसको ऐड कर देंगे। ऊपर से मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी ये व्हिप क्रीम से, इस तरह से। व्हिप क्रीम के बजाय आप इसको ओरियो से, ओरियो आइसक्रीम या कोई भी आइसक्रीम जो आपको पसंद हो उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर से इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से मैंने जो बचा के रखे थे ओरियो क्रस्ट, वो बिस्किट के क्रस्ट, वो भी इसमें इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से भी इसको डेकोरेट करूंगी और यहाँ पे लगा दूंगी एक ओरियो बिस्किट। ये देखिए यमी यमी सा हमारा ओरियो आइसक्रीम मिल्क से बनके तैयार हो गया है। एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है और गर्मियों में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। लीजिए, तैयार है हमारा ओरियो आइसक्रीम मिल्क शेक और ओरियो आइसक्रीम। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।